ઉત્તરાખંડના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રમેશભાઈ ઉખરિયાલના અધ્યક્ષસ્થાને જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી, જેમાં ઉત્તરાખંડના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રમેશ ઉખરિયાલને સૌરાષ્ટ્રના પ્રભારી તરીકેની પાર્ટી દ્વારા જવાબદારી સોંપતા આજરોજ અમરેલી જિલ્લાની ખાસ મુલાકાતે આવેલ હતા અને અમરેલી જિલ્લાના ભાજપના અગ્રણી કાર્યકરો સાથે ચૂંટણીને લઈ ખાસ બેઠક યોજાઈ હતી. આ તકે ગુજરાત કૃષિ મંત્રી વીવી વઘાસિયા, ધારાસભ્ય બાવકુભાઈ ઉંધાડ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હિરેનભાઈ હિરપરા, કૌશિકભાઈ વેકરિયા સહિત ભાજપના અગ્રણી કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. માય અમરેલી ન્યૂઝ, અમરેલી. મુખ્યમંત્રી આદરણીય ડોક્ટર રમેશ પોખરિયાલજી, જેઓ 6 વખત ધારાસભ્ય તરીકે રહી ચૂક્યા છે, 2 વખત ઉત્તર પ્રદેશની અંદર કેબિનેટ મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે, 2 વખત ઉત્તરાખંડની અંદર મંત્રી રહી ચૂક્યા છે, ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી તરીકે પણ એમણે સેવાઓ આપી છે. પાર્લામેન્ટરી કમિટી કા ચેરમેન ભી હું, ઇસસે પહેલે મેં ઉત્તરાખંડ કા મુખ્યમંત્રી રહા હું, ઓર ઉસસે પહેલે જબ સંયુક્ત ઉત્તર પ્રદેશ ઉત્તરાખંડ થા તો 2 બાર મેં ઉત્તર પ્રદેશ મેં કેબિનેટ મંત્રી રહા હું, મેં ભારતીય જનતા પાર્ટી કા રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ ભી રહા હું, ઓર મૂળતઃ મેં આપી કે પરિવાર સે હું. और पिछले 30 साल से एक दैनिक समाचार पत्र निकालता हूँ मैं गढ़वाल से, हिमालय से, पिछले 30 साल से. और एक शोध पत्रिका नई चेतना, उसको भी 83 से हम लोग निकालते हैं. तो मूलतः तो मैं आप ही के परिवार से हूँ, लेखन से मेरा लगाव रहा है, मेरी लगभग 60 किताबें प्रकाशित हैं, उन पर 10 PhD हैं, 2 डिलीट हैं. मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, त्रिनाद, जर्मनी, थाईलैंड, जापान, युगांडा, श्रीलंका सहित लगभग 8-10 देशों में मेरी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं. और यहाँ भी मेरी कई किताबें मेरी उसमें भी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, स्पेनक्रियो सहित लगभग 18 भाषाओं में अनुवादित हैं. मुझे इस समय सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभारी के रूप में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे यहाँ भेजा है. तो इस चुनाव के दृष्टि से मैं सौराष्ट्र के प्रभारी के नाते यहाँ का काम देखूँगा, देख रहा हूँ. अभी तक 4-5 जिले का मैंने प्रवास कर दिया, मंडल स्तर पर हम लोगों की समीक्षाएं चल रही हैं. हम इस राज्य में एक ऐतिहासिक विजय की ओर इसको ले जा रहे हैं. अभी तक की सबसे बड़ी विजय इस राज्य की. अर्थ क्रांति की पत्रिका ने इस बात को लिखा है कि भारत में जीएसटी लागू होने के बाद भारत 7-8 वर्षों तक लगातार दुनिया के आर्थिक तंत्र में शिखर पर रहेगा. और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरी दुनिया लामबंद हो रही है, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, और चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक का हो, और जिस प्रधानमंत्री की नज़र दुनिया के शिखर पर हो, उसी प्रधानमंत्री की नज़र गरीब के शौचालय तक भी जाए, ये छोटी बात नहीं मेरे मित्रों. और इसलिए लोगों को भरोसा है, देश ने भरोसा है, क्या है नरेंद्र मोदी पर, और इस धरती से नरेंद्र, उस पार्टी का मुखिया भी इसी गुजरात की धरती से है, और जिसको आज देश गौरव महसूस कर रहा है ऐसा प्रधानमंत्री इस धरती से है. और इसलिए जो ये चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में हमारा जो कार्यकर्ता है वो नीचे तक पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है, अंतिम सांस ले रही है, और जो हम लोगों ने संकल्प लिया था जो रही है उसके षड्यंत्रों का कोई शिकार न हो पास हम जरूर चाहते हैं. और दूसरी बात, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का मत है, हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस एकात्मता मानववाद को लेकर के जा रहे हैं, जहाँ हमारा निर्णय संकल्प है कि जब तक समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के चेहरे पर हंसी नहीं ले आते, जब तक उसका विकास नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे. तो चाहे किसी जाति का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, हमारी पहली प्राथमिकता है उस गरीब को ऊपर उठाने की है, उसको मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा में लाने की है. तो उसमें सभी लोग समाहित होते हैं. और आगे ये समझ लेना चाहिए कि 2019 भी भारी बहुमत से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जाएगा,
गुजरात में तो एक तरफ की सरकार बनेगी और केंद्र में भी 2019 लोगों ने अभी से मन बना दी। तो मैं सोचता हूँ कि विकास का एक जो मॉडल ये गुजरात में नरेंद्र भाई ने दिया वो